घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। दुनिया भर में ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि किसी इंसान के शरीर के अंग अपनी जगह न होकर किसी दूसरी जगह पर होते हैं। एक ऐसा ही लाखों करोड़ों में किसी कम एक व्यक्ति में ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में देखने को मिला है। दरअसल एक शख्स पेट दर्द की शिकायत लेकर इंदौर के MY हॉस्पिटल में आया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद ये पता किया कि उसके अपेंडिक्स है। इसी के साथ ही डॉक्टर ये जानकर भी हैरान रह गए कि उस शख्स का दिल बाईं ओर की जगह दाईं ओर धड़क रहा है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन से पहले जब डॉक्टर ने उस शख्स की अलग अलग जांच कराई तो खुलासा हुआ कि दिल के अलावा कई अन्य प्रमुख भीतरी अंग भी सामान्य स्थिति की तुलना में उल्टी दिशा में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आमतौर पर लीवर इंसान के शरीर में दाईं ओर पाया जाता है, लेकिन ये अंग शख्स के शरीर में बाईं तरफ है। इसी तरह उसके शरीर में स्प्लीन यानी कि तिल्ली बाईं तरफ न होकर दाईं तरफ है। महाराजा यशवंत राव होलकर चिकित्सालय के सर्जरी विभाग के सहायक प्रोफेसर अरविंद शुक्ला ने बताया कि इस मामले में हैरानी की बात यह भी रही कि 36 वर्षीय शख्स को इससे पहले इस बात का पता ही नहीं था कि उसके शरीर में कई अंग सामान्य स्थिति की तुलना में उल्टी तरफ है। उन्होंने बताया कि पेट दर्द की शिकायत से पहले वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। प्रोफेसर ने आगे बताया कि इंसानी शरीर में अंगों की ये अजब गजब स्थिति प्रति 1,00,000 में से सिर्फ 10 लोगों में ही पाई जाती है। इस मामले को साइट्स इनवर्सिस टोटलिस कहा जाता है। इस दुर्लभ तकनीक के चलते पीड़ित मरीजों को जीवन भर डॉक्टरों की निगरानी में रहने की सलाह दी जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।